क्या आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका एक खुद का बनाया हुआ व्यवसाय हो, जिससे आप पैसा कमाने के साथ साथ दूसरों की अपने उत्पाद द्वारा सहायता कर पाएं? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये सब पाने के लिए आपको क्या क्या जतन और प्रयास करने पड़ेंगे? तो आपने अपने लिए बिल्कुल सही किताब चुनी है। हेनरी फोर्ड का कहना था कि अगर वो ग्राहकों की सुनते तो उन्हें एक तेज कार की बजाय दौड़ने वाला घोड़ा दे देते। हाँ, कहना बहुत आसान है, पता है हाँ कहने से क्या होता है? हाँ का ढेर इतना बड़ा हो जाता है कि आप ये ही भूल जाते हैं कि असल में आपको करना क्या है। एक अवास्तविक समय सीमा को हाँ कहना, एक नए फीचर को हाँ कहना, एक मध्यम दर्जे की डिजाइन को हाँ कहना। मत करिए ऐसा अगर आपको असल काम करना है तो। जब तक आप मना करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित नहीं रह पाएंगे। कभी कभी आपको अपने ही बेस्ट आइडियाज को भी ना कहना पड़ेगा, पर ये जरूरी है। हाँ कहकर आप एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। आप उन आइडिया पर काम करने लगते हैं जिन पर आपका विश्वास ही नहीं होता। आपके लिए सब जटिल और समस्याओं से भरपूर हो जाता है। लोग हाँ इसलिए कहते हैं कि वो सामना करने से या बहस से कतराते हैं, उन्हें वो अच्छा ही नहीं लगता। ये एक रिलेशनशिप जैसा होता है जिसे तोड़ना मुश्किल लगता है, और आप उसको निभाते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप डरपोक होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि टकराव की थोड़ी सी उलझन को झेल लिया जाए, बजाय इसके कि बाद में पछताना पड़े। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि कस्टमर हमेशा सही नहीं होता है। कुछ थोड़े से कस्टमर्स को खुश रखने के लिए आप अपने बाकी कस्टमर्स को नाराज तो नहीं कर सकते ना। मान लीजिए कि आप शेफ हैं और कोई नकचढ़ा ग्राहक आपसे बिरयानी में कुछ डालने को कह दे, तो आप उसे मना ही कर देंगे ना। अब देखते हैं उदाहरण ING डायरेक्ट बैंक का, जिसने कस्टमर को न कहकर ही अपने व्यापार की साख को बढ़ाया। बैंक ने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड के लिए मना कर दिया, ऑनलाइन ब्रोकरेज के लिए मना कर दिया, मिलियन डॉलर से अकाउंट खोलने के लिए मना कर दिया। ING बैंक सिर्फ कुछ सीधी सी सुविधाएं देता है, कुछ सेविंग अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड, बस इतना ही। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मूर्खों की तरह जब जी चाहे ना कह दें। आप अपने नजरिए या सोच को सही तरह से कस्टमर के सामने रखें। लोग आश्चर्यजनक रूप से अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो आपकी बात को समझेंगे। आपका लक्ष्य है कि आपका प्रोडक्ट सही हो, आपको उस पर भरोसा हो, और अपने ग्राहकों से आप भरोसे से कह सके कि ये आपके लिए सही है। 2. लेट योर कस्टमर्स आउटग्रो यू। आपने देखा होगा कि कभी कभी कंपनी एक पुराने वफादार ग्राहक को खुश करने की खातिर प्रोडक्ट में कई परिवर्तन करती है। इसमें वो बाकी कस्टमर्स को नजरअंदाज कर देती है, पर जिस कस्टमर के लिए वो सारे परिवर्तन करती है वही चल देता है। और कंपनी के पास एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बाकी के ग्राहकों के लिए बेकार होता है, और जिसके लिए बनाया गया है वो ग्राहक नदारद। इसलिए ग्राहक को यदि आपका प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है तो उसे दूसरे प्रोडक्ट आजमाने दीजिए। कंपनी के वफादार ग्राहक को खुश रखने की दौड़ में आप उन ग्राहकों को नहीं पकड़ पाते जो अभी मार्केट में है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कुछ ही लोगों तक सीमित हो जाता है, इसलिए आपका बिजनेस डूबने लगता है। नए कस्टमर्स हो सकता है आपके नए फीचर से डर जाए और वो आपका प्रोडक्ट खरीदे ही नहीं। पुराना कस्टमर रुक तो जाएगा, पर नया कस्टमर बेस आपसे छूट जाएगा। अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आउटग्रो कर ले और वो नए प्रोडक्ट को चुन ले, तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बेहतर भी होगा और बेसिक भी, और ये आपको नए कस्टमर भी दिलाता रहेगा। ये फायदे का सौदा है, क्योंकि छोटी छोटी साधारण बेसिक चीजों की डिमांड हमेशा रहती है, और ऐसे ग्राहक हमेशा होते हैं जिनको ऐसे बेसिक सामान की जरूरत रहती है। इस तरह जो लोग आपका बेसिक प्रोडक्ट प्रयोग कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, बजाय उनके जो आपका प्रोडक्ट अब नहीं प्रयोग कर रहे हैं, वो उसे आउटग्रो कर चुके हैं।
तो आपको नए ग्राहकों को अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए आकर्षित करना है। आप सबको सब कुछ नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। आपको ग्राहक विशेष पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपने ग्राहक वर्ग पर जो आपका प्रोडक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो हर तरह के ग्राहक पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। रेवोल्यूशनरी, न्यू, हॉट, अमेजिंग, फास्टर, यूजफुल। 3. डोंट कंफ्यूज एंथुसियाज्म विद प्रायोरिटी। नया आइडिया जोश से भर देता है, उसकी संभावनाएं आपको उत्साहित कर देती हैं, आपको उसके फायदे दिखने लगते हैं और बेशक आप उस पर फौरन से पहले अमल करना चाहते हैं। तो होता ये है कि जो आप कर रहे होते हैं उसको छोड़कर आप नए आइडिया पर काम करने लगते हैं। ये एक गलत कदम होता है, बैड मूव। नए आइडिया के लिए आपका जोश इस बात को नहीं दर्शाता कि वो कितना सफल होगा, उसकी असली वर्थ या लाभ क्या है। ये आइडिया अच्छा तो हो सकता है, पर इतना भी नहीं कि बाकी सब कामों को इसके लिए रोक दिया जाए। आइडियाज तो रोज ही आते हैं, कभी ग्राहकों से, कभी खुद के। सबके पीछे भागने लगे तो ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप दौड़ेंगे तो, पर कहीं पहुंचेंगे नहीं। नए आइडिया आने दीजिए, उनसे उत्साहित भी रहिए, लेकिन बिना सोचे समझे और विचार किए उस पर तुरंत काम मत करिए। उसका कुछ दिन बाद फिर से विश्लेषण कीजिए, फिर उस पर काम कीजिए। 4. बी एट होम गुड। कभी कभी होता है ना कि आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट दिल को भा जाता है, उसके फीचर्स, उसकी पैकिंग, डील, सब कुछ जबरदस्त लगता है। फिर आप उसे खरीद कर घर लाते हैं। अब लगता है कि ये तो बहुत महंगा पड़ा, बहुत सारे फीचर्स कंफ्यूजिंग है, कुछ फीचर्स का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। अब आपको लगता है कि आप बेवकूफ बन गए और आप जो चाहते थे वो तो आपको मिला ही नहीं। तो फिर आप जब भी प्रोडक्ट बनाएं तो ये ध्यान रखें कि वो सिर्फ स्टोर में ही अच्छा दिखने वाला प्रोडक्ट ना हो। प्रोडक्ट ऐसा हो कि जब वो घर लाया जाए तो उसकी उपयोगिता का ज्यादा पता चले, वो ग्राहक के लिए ज्यादा उपयोगी हो। ऐसा प्रोडक्ट जो घर आने पर ज्यादा लुभावना लगने लगे। आपको ग्राहक के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है। आपने कई विज्ञापन देखे होंगे जहां किसी प्रोडक्ट को बहुत महिमा मंडित किया जाता है, पर जब वो घर पहुंचता है तो सारे दावे जो विज्ञापन में किए थे फेल हो जाते हैं। जरूरी ये नहीं कि प्रोडक्ट विज्ञापन में अच्छा दिखे, जरूरी ये है कि जब वो घर पहुंचे तब अच्छा लगे। 5. डोंट राइट इट डाउन। ग्राहक ने क्या कहा, ग्राहक क्या चाहता है, सिर्फ सुनना है पर सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट बाकी मायने रखती है वो आपको बार बार सुनने को मिलेगी। फिर कुछ समय बाद आप उसे भूल ही नहीं पाएंगे। आपके ग्राहक ही आपकी मेमोरी हैं। वो आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, वो बताते रहेंगे कि किस बात पर आपको ध्यान देना है। अगर कोई रिक्वेस्ट आप भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो गैर जरूरी है। वो गाइडलाइंस छोटी अवश्य हैं, पर बहुत कारगर हैं। ये तो थी इस मशहूर बुक की कुछ खास बातें। अभी पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस ना मिस करें, इसके लिए अभी कुकू FM लर्निंग को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।